दोस्तों वर्तमान में टीवी इंडस्ट्री में कई बेहतरीन टीवी शोज प्रसारित हो रहे हैं। जहां टीवी शोज में दर्शकों को शो की कहानी उसे देखने के लिए बांधे रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ उस कहानी को पर्दे पर उतारने वाली उनकी अभिनेत्रियां भी शो देखने की एक बड़ी वजह होती है, जो कि हमेशा ही किरदारों में जान डाल शो में चार चांद लगा देती है। और इसी वजह से वर्तमान में हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जो कि अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से दर्शकों के बीच नाम कमा रही है। और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो कि वर्तमान में अपनी एक्टिंग की वजह से ही नाम कमा रही है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं टीवी इंडस्ट्री की उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर एक, सुम्बुल तौकीर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर का, जो कि इमली शो में इमली के किरदार को निभाती है, जिसमें इन्होंने हमेशा ही काफी दमदार एक्टिंग की है। इनकी एक्टिंग हमेशा ही काफी नेचुरल लगती है, तभी तो दर्शक इनकी एक्टिंग की हमेशा ही काफी तारीफ करते हैं। और इसी वजह से सुम्बुल भी महज 18 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्री बन चुकी है। नंबर दो, शिवांगी जोशी। अपनी एक्टिंग के बलबूते पर नाम कमाने वाली अभिनेत्रियों में शिवांगी जोशी नंबर दो पर शुमार होती है। बता दें शिवांगी जोशी ने भी बहुत ही कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रख लिया था, जहां आपने हर एक प्रोजेक्ट के साथ शिवांगी जोशी ने अपनी एक्टिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश की, और इनकी इसी कोशिश की वजह से आज शिवांगी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस में शुमार की जाती है। नंबर तीन, आयशा सिंह। गुम है किसी के प्यार में सई के किरदार को निभाने वाली आयशा सिंह भी लिस्ट में अपना नाम दायर करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयशा सिंह का ये पहला ही शो है, पर इसके बावजूद शो में इनके एक्सप्रेशन से लेकर डायलॉग डिलीवरी हर एक चीज ऑन पॉइंट होती है, जिसकी वजह से दर्शकों को इनकी एक्टिंग हमेशा ही तारीफे काबिल लगती है। और इसी से आयशा सिंह दर्शकों के बीच इतनी जल्दी इतना ज्यादा मशहूर हो गई है। नंबर चार, प्रणाली राठौर। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा के किरदार को निभाने वाली प्रणाली राठौर लिस्ट में नंबर चार की पोजीशन पर अपना नाम शुमार कराती है। बता दें प्रणाली राठौर ने बेहद कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो अपने करियर में इन्होंने कई टीवी शोज किए और हमेशा ही अपनी एक्टिंग में कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज इनकी एक्टिंग बड़े बड़े सितारों पर भी भारी पड़ती है और इसी से ये आज दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है। नंबर पांच, रीम शेख। अपनी एक्टिंग के बलबूते पर मशहूर होने वाली अभिनेत्रियों में एक नाम रीम शेख का भी है, जो कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में मौजूद है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रीम शेख ने छोटी छोटी भूमिका निभाकर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई, तो वहीं आज इनकी एक्टिंग और भी बेहतरीन हो चुकी है और इसीलिए आज टीवी की यंग हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में से एक है। नंबर छह, राधिका मुथुकुमार। तुराल सिमर का में छोटी सिमर के किरदार को निभाने वाली राधिका मुथुकुमार भी इंडस्ट्री में आज अपनी पहचान एक्टिंग के बलबूते पर बना चुकी है। बता दें राधिका मुथुकुमार ने सिमर की मासूमियत को जिस तरह अपने एक्सप्रेशन और दमदार एक्टिंग के जरिए जाहिर किया है, वो दर्शकों को बेहद ही ज्यादा पसंद आता है और इसीलिए आज राधिका भी दर्शकों के बीच काफी मशहूर है। नंबर सात, तेजस्वी प्रकाश। में नागिन 6 में नजर आने वाली तेजस्वी प्रकाश ने भी टीवी इंडस्ट्री में नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते पर ही कमाया है। बता दें तेजस्वी प्रकाश इंडस्ट्री में करीब 10 सालों से है, जहां इन्होंने हमेशा ही काफी बेहतरीन टीवी शोज किए हैं और हमेशा ही वर्सटाइल एक्टिंग की, जिसकी वजह से इनकी एक्टिंग देख दर्शक कभी बोर नहीं होते और इसी से आज ये टीवी इंडस्ट्री की सबसे चहेती अभिनेत्री है। नंबर आठ, प्रियंका चाहर चौधरी। इस लिस्ट में आखिरी नाम शुमार होता है अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी का, जो कि उदारिया शो में तेजो के किरदार को निभाते हुए नजर आती है। बड़ी यू तो प्रियंका चाहर चौधरी का बतौर लीड एक्ट्रेस पहला ही शो है, पर इसके बावजूद शो में इनकी एक्टिंग देख ऐसा लगता है मानो इन्हें कितने ही साल का एक्सपीरियंस है। जैसे प्रियंका चाहर चौधरी शो की वजह से आज किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। तो इन सभी अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन सी है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।